फ्रेंड जूनियर स्टैंड 2019 के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और ये अपडेट जो है वो सीधे आयोग से मुझे मिली है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और मैंने ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ भी मैंने बता दिया। तो जिन बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, मैंने कैटेगरी वाइज जो है वो जनरल ओबीसी एससी एसटी सबका कट ऑफ मैंने जो है वो बना दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हो वहां पे। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन अभी जो परेशान कर रहा था वो ईडब्ल्यूएस को लेकर, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस को लेकर कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब कमेंट कर रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो आपने बताया नहीं है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जो है वो जूनियर असिस्टेंट में भी शो नहीं होनी हुई थी, जब नोटिस आया था और नोटिफिकेशन आया था ना ही कोई बीच में अभी ऐसे कोई बताया कि 10% सीट ईडब्ल्यूएस की रखी गई है। हाँ लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरे गए हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर उन्होंने जमा किया है तो उसको ले लिया गया है, लेकिन अब वो इसकी वैकेंसी को ओपन करेंगे नहीं करेंगे 10% का ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगर किसी को क्लियर हो विद प्रूफ के साथ या ऐसे कोई नोटिस हो तो मुझे मेल कर सकते हैं आप या फिर जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरी मेल आईडी है अंकित सक्सेना 354@gmail। अगर आपको पास कोई ऐसा कोई एविडेंस हो कि सर ईडब्ल्यूएस का 10% सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई है और ऐसा कोई लिखित कोई हुआ आपके पास कागज तो आप मुझे दीजिएगा तो मैं उस पर फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी बनाऊंगा। ईडब्ल्यूएस के जितने बच्चे हैं उनसे पूछूंगा कितने क्या मार्क्स आपके उनके आए हैं तो मैं बताऊंगा। देखिए कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बना दिया, रिजल्ट का जो अपडेट है तो अभी 1 से 2 दिन जो है वो लगातार धरना चल रहा है यूपीडब्ल्यूएससी लखनऊ में और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लखनऊ के आसपास रहते हैं तो वो गए भी थे वहां पर बात करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि अभी लगभग 2 हफ्ते हम लोग को लग जाएंगे, 2 हफ्ते बोला है और ये बात बताई है उन्होंने उनको आज के आज बताई है ये बात। तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। देखिए अभी 1-2 दिन पहले जो है वो यूपीडब्ल्यूएससी लखनऊ में जो है इसके ऑफिस में बहुत तेजी से धरना चल रहा था तो वहां पर जानकारी जो मिली है और मेरी आज स्टूडेंट से बात हुई है, कल उन लोग को ये बात बताई गई थी कि लगभग 2 हफ्ते अभी लग सकते हैं। 2 हफ्ते का मतलब ये हो गया कि आज हो गई आपकी 11 तारीख तो 2 हफ्ते मान के चलिए 25 तारीख, तो उम्मीद ये कि 25 से 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 से 30 सितंबर के बीच में 100% आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये आयोग के ही व्यक्ति ने बताया है और स्टूडेंट्स को। तो उम्मीद है कि आप 25 सितंबर से 30 सितंबर तक मान के चलिए। अगर 1% चांस है कि यूपीडब्ल्यूएससी का भरोसा नहीं कर सकते, वो कह सकता है कि वर्कलोड ज्यादा था तो इसलिए, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि अंदर से ही खबर आपको देखने को मिली है और मैंने भी आपका जब बताया था कि लेखपाल की जो आंसर की है वो 7 या 8 तारीख को देखने को मिलेगी और लगभग लगभग उसी डेट पे आएगी, क्योंकि मैं भी आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, मैं जब तक अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती है मैं आपको जानकारी नहीं देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करके चलते हैं कि 25 सितंबर से 30 सितंबर तक आपके चेहरों पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखने को मिलेगी।